आटे और गुड़ का खेल, आटे और गुड़ के अंदर बनाए मालपूड़े। सिंपल, आटा और गुड़ को मदलो। रूबी जी जानकारी दें कैसे होता है ये, कैसे बनाया घोल। ये हमने गुड़ को घोल लिया पानी में पहले, हाँ फिर उसके अंदर हमने आटा ले लिया, हाँ आटा भी इसके अंदर घोल लिया, उसमें हमने सौंफ डाल दी है थोड़ी सी। छोटे बच्चों के लिए बस, जी जी सबसे जी सिंपल है। जी और फ्राई पैन रखो, और थोड़ा सा इसमें हमने और चिकनाई डाल ली है, हाँ हल्की सी जिससे कि देसी घी फैलने डाल में, दिए। हाँ और फैलने में आसान बनेगा रहे। कैसे। फिर उसके बाद हमने नॉन स्टिकी बर्तन ले लिया है, हाँ नॉन स्टिकी बर्तन लेके उसमें उसे एक चम्मच इस तरीके से लिया और उसको फैला लिया। सबसे जल्दी और आसान बनने का छोटे बच्चों के लिए है, बड़े के लिए है, क्योंकि बहुत फैट है इसके अंदर, बहुत मीठा है, बहुत प्यार से छोटे बच्चों जब के ये लिए है। बन जाएगा तो हाँ ये इसमें धीरे फिर धीरे 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 ही पलटा जाता है, धीरे धीरे प्यार से, तो मंदी आंच पे बनता है ये, याद रखिए, मंदी आंच पे धीरे धीरे बनता है और छोटे बच्चों के लिए शानदार ऐसा बन के तैयार हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा बन के ये ये तैयार हमारा हो सा जाता निकल है। का छुटा लिया और बस इसको फिर बांध दिया। पतले पे नहीं बनेगा ये तो, हटा देखिए, बिल्कुल बनने वाला तैयार मालपूड़ा, शानदार शानदार। उसे पलट के वो भी जल रहा है। ऐसे मालपूड़े बनाइए छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत मीठे हो भी, आसान। बच्चे खा के भी खुश हाँ हैं और बहुत और जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान, बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता है मालपूड़ा छोटे बच्चों के लिए, स्वादिष्ट और बच्चों को नरम है और मीठे बच्चों को पसंद है। बनाइए, बच्चों को खिलाइए। पंजाबी स्टाइल के हैं जी, पंजाबी गुड़ और आटे के मालपूड़े, बिल्कुल आसान, 1 मिनट में। जैसे आटा मलते हैं इसमें तो आसान है, गुड़ रात को घोल के रख दिया, आटा मला और तो बना पहले दिया। बना के दिखा हाँ देते। मंदी आंच पे बना लो, ऐसे बनेगा, मंदी आंच पे बनेगा ये, बिल्कुल मंदी आंच पे, नहीं हल्का तो सा जल पहले जाएगा ये। हाँ इस पे हल्की सी चिकनाई लगा लूँ बिल्कुल बाकी मंदी आंच चीजें। पे बनेगा। गुड़ के मालपूड़े, गुड़ के बना सकते हैं, चीनी के बना सकते हैं, जो मन हो आप वो बना सकते हैं। बस आटा मलो और डालो, कुछ नहीं, बस सौंफ डालनी है डाल लो घर में, या नहीं तो कोई टंटा नहीं है, कुछ नहीं करना, 2 मिनट में तैयार बस। छोटे बनाओ, जितने छोटे बनाओगे उतने अच्छे बनेंगे, चाहे चम्मच से बनाओ, करछी से बनाओ, कैसे भी बनाओ, जितना मटेरियल कम डालोगे उतने अच्छे बनेंगे। और अगर इसे मोटा रखोगे तो गुलगुले बन जाएंगे, पंजाबी स्टाइल के गुलगुले, ठीक है ना जी, छोटे देखिए बच्चों के लिए शानदार खाना। ये हमारा तैयार हो चुका है अच्छा और देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, तो आराम रुई की से तरह ठंडे होते हैं ये, रुई की तरह होने पर और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं दोनों बच्चों पलटो, के लिए। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होती है ये, तोड़ोगे ना ये, हल्का सा हाथ दबाओगे तो ही टूट जाएंगे, ऐसे रुई की तरह सॉफ्ट। देखिए मैं एक बार ऊपर से बना के दिखा देती हूँ फैला के, बहुत ही इजी है इसी घोल को। 1 चम्मच डालना, ज्यादा नहीं, जितना छोटा उतना कंट्रोल में, बड़ा हो जाएगा तो जान को आ जाएगा, फिर संभलेगा नहीं आके। ये पंजाब में बनाए जाते हैं, बाकी देश में नहीं चलते, पंजाबी स्टाइल के मालपूड़े। किसान खेत में काम कर रहा होता है, आटा खूब रहता है किसानों के पास, पंजाब में गुड़ भी गुड़ रहता है, ये गुड़ तो यूपी से आता है, पंजाब में गन्ना नहीं होता। बस दोनों को घोला और पंजाब और यूपी का मिलन कर दिया। ऐसे मैं पंजाबी, बीवी मेरी यूपी की, गुड़ यूपी का, आटा पंजाब का, बन गए मालपूड़े। ये बबल से आ जाते हैं जब पक जाता है ना, इसमें बबल से आ जाते हैं, जो आप देख रहे हो ना, इसका मतलब है मालपूड़ा आपका तैयार हो गया। ये देखिए कितना शानदार है गुलाबी कलर आया, कितना शानदार गुलाबी कलर आया। तो ये है पंजाबी स्टाइल के मालपूड़े, खाओ जिंदगी के नज़ारे लो। मेरे साथ है रूबी जी, रूबी जी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।